है आपका आईबीएन 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एक युवक ने सोमवार दोपहर में अपने घर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने मृतक को फंदे से उतारा और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। कल मंगलवार को मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले को लेकर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक जय कुमार के पास एक सुसाइड नोट मिला था, जिसे मृतक के पिता ने पढ़कर उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। परिजनों का आरोप है कि सुसाइड नोट में लिखा था कि मकान की दलाली को लेकर एक दलाल बार बार मृतक को परेशान कर धमकी दे रहा था, जिसके कारण मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट सिविल लाइन पुलिस ने जब्ती में लिया है। इस संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर जाँच की जा रही है। क्या बताएं अभी आपको, क्या सूचना मिली, आप कहाँ गए और किसको लेकर अभी जिला अस्पताल आए आप? विजयनगर की सूचना मिली थी, वहाँ पे पुलिस द्वारा फ़ोन किया था मुझे, तो वहाँ पे जय कुमार नामक व्यक्ति मृत मिला, उसको MGH हॉस्पिटल छोड़ा। काय से क्या मृत्यु हुई थी, कुछ जानकारी है? ये कुछ अपने को जानकारी, क्या फांसी वासी लगा रखी थी? नहीं, ये तो अपने को जानकारी नहीं है, अपन ने सिर्फ लाके छोड़ दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनील प्रजापति। कहाँ कर्मचारी हैं? नगर निगम। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।